क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड माइन ए एच स्क्वायर माइनस ब्रैकेट 4x plus 3 2x minus 3 यही तो है ना क्वेश्चन 2x minus 5 सबसे पहले मल्टीप्लाई करेगी 8x स्क्वायर माइनस 4x 2x में करेंगे कितना आएगा यहाँ बड़ा ब्रैकेट लगा लो 2x minus 5 प्लस 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 2x minus 5 ओके ये कितना आया 8x स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा 8x का x में करेंगे x स्क्वायर 4 5 से 20 माइनस 3 20 प्लस 6x x का करेंगे तो 6x आ जाएगा e का करेंगे माइनस 15 आएगा ओके 8x स्क्वायर माइनस ब्रैकेट 8x स्क्वायर माइनस के 14x माइनस 15 मल्टीप्लाई करते हैं माइनस को मल्टीप्लाई करते हैं ब्रैकेट के अंदर पूरा 8x स्क्वायर माइनस मल्टीप्लाई करेंगे कितना है माइनस 3x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 15 माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे पूरे साइन चेंज हो जाएगा ये प्लस सी माइनस कैंसिल हो जाएगा कितना आएगा आंसर 14x प्लस 15 ये आपका आंसर हो जाएगा ओके स्टेप ये करने के लिए हम ये कर देंगे ओके क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड करेंगे क्या है ये बड़ा है थोड़ा सा 5x प्लस 5 x प्लस 6 माइनस x माइनस 3 मल्टीप्लाई x प्लस 7 मल्टीप्लाई करेंगे बेटा इसका x एक्स में ब्रैकेट लगा देंगे बड़े लार्ज ब्रैकेट का यूज करेंगे x x प्लस 6 प्लस 5 का मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस 6 माइनस के यूज करेंगे x x प्लस 7 माइनस 3 x प्लस 7 ओके x का x में मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा x स्क्वायर x का 6 में करेंगे कितना आएगा 6x 5 का x में करेंगे कितना आएगा 5x 5 का 6 में करेंगे कितना आएगा 30 माइनस ओके कितना एक्स एक्स में करेंगे कितना आएगा एक्स स्क्वायर एक्स का सेवन में करेंगे कितना आएगा सेवन एक्स माइनस थ्री का एक्स में करेंगे कितना आएगा माइनस थ्री एक्स माइनस थ्री 21 ओके कितना आएगा एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स 6x और 5 को ऐड करेंगे 11x हो जाएगा प्लस 30 माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे पूरे में माइनस x स्क्वायर और माइनस के 7x प्लस के 4 3x माइनस 21 माइनस का मल्टीप्लाई कर प्लस हो जाएगा ठीक है ये माइनस प्लस कैंसिल हो जाएंगे ठीक है यहां पहुंच जाएगा 11x प्लस 30 माइनस प्लस माइनस 3x आएगा माइनस 4x प्लस 21 इसको सॉल्व करेंगे 11x माइनस 4x माइनस करेंगे कितना आएगा 7x प्लस 30 प्लस 21 ठीक है देखेंगे
सेवन एक्स प्लस कितना आएगा 51, ये इसका आंसर है। स्टेप्स क्लियर करने के लिए हम एरो लगा देंगे। ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन यहाँ तक कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 का 4 सॉल्व करेंगे। क्या है एक्स ब्रैकेट एक्स प्लस 3 एक्स प्लस 9 एक्स प्लस 3 एक्स माइनस माइनस 3 माइनस 9 ये सॉल्व करना। ठीक है, हम सॉल्व करेंगे एक्स, सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे दोनों, एक्स एक्स माइनस 3 और प्लस 3 का मल्टीप्लाई करेंगे एक्स माइनस 3 माइनस 9। ओके, एक्स कितना मल्टीप्लाई करेंगे एक्स का, एक्स में करेंगे एक्स स्क्वायर, एक्स का 3 करेंगे माइनस 3x, 3 का 3 करेंगे कितना आएगा प्लस का 3x, 3 का 3 करेंगे माइनस का 9 माइनस 9। ओके बेटा, देखो ये प्लस के 3x माइनस 3x दोनों कैंसिल हो जाएंगे, कितना बचेगा x, x स्क्वायर माइनस 9 माइनस 9, इन दोनों को ऐड कर देंगे बेटा कितना हो जाएगा x, x स्क्वायर माइनस 18। ठीक है, मल्टीप्लाई कर देंगे बेटा x का पूरे में, कितना हो जाएगा x की पावर 2 और x की पावर 1, x की पावर 3 हो जाएगा माइनस 18x, ये आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4th का 4th के 4th का ये आंसर हो जाएगा। 5th वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन क्या है 3x प्लस 7 2x माइनस 4, 3x प्लस 7 2x प्लस 4 माइनस 4 है, 2y माइनस 4 है। माइनस एक्स एक्स प्लस 5 वाई माइनस 1 यही है, सही है। अब सॉल्व करेंगे, सबसे पहले मिडिल ब्रैकेट का यूज करेंगे, 3x का मल्टीप्लाई करेंगे इसमें पूरी एक साइड टर्म में 2x माइनस 2y माइनस 4 7 का मल्टीप्लाई करेंगे पूरी टर्म में प्लस 7 कितना आएगा 2y माइनस 4 माइनस, यहाँ पर मिडिल ब्रैकेट क्लोज कर देंगे बेटा। ठीक है, यहाँ से मिडिल ब्रैकेट इसे स्टार्ट करेंगे, कितना आएगा x का मल्टीप्लाई करेंगे पूरी टर्म में कितना आएगा 3y माइनस 1 प्लस का 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 3y माइनस 1। ओके, ये हो गया, सॉल्व करेंगे इसको बेटा। हाँ बेटा, देखो देखो मल्टीप्लाई करेंगे इसका 3x का कितना है 6x, 6x x का x y का y मिल रहा है माइनस ये हो जाएगा x प्लस 14y 7 का y करेंगे 2y करेंगे 7 का 14 y का y माइनस 7 हो गया 28। ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, ब्रैकेट स्टार्ट कर देंगे, कितना आ जाएगा 3xy और माइनस का x प्लस 15y माइनस 5। ओके, तो स्टेप्स क्लियर करने के लिए एरो का यूज करेंगे, ब्रैकेट बेटा अनक्लोज करेंगे, ब्रैकेट से 6x y माइनस 12x प्लस 14y माइनस 28 माइनस 3xy, ब्रैकेट बाहर माइनस है तो ब्रैकेट के वाले अंदर, जब ब्रैकेट अनक्लोज करेंगे तो ब्रैकेट के सारे टर्म्स जो है बेटा पॉजिटिव
चेंज हो जाएंगे, सारे पॉजिटिव की नेगेटिव, नेगेटिव की पॉजिटिव सारे चेंज हो जाएंगे। ठीक है, तो प्लस एक्स माइनस 15y प्लस 5, लाइक सभी को एक तरफ ले आएंगे, एक साथ देख लेंगे 6xy माइनस 3xy माइनस 12x प्लस एक्स, अब इतना 40y, फिर कितना है माइनस 50y माइनस 28 प्लस 5। ओके, दो बेटा 6 में से 3 माइनस करेंगे कितना आएगा 3xy। ओके, फिर कितना आएगा 12 में से x जाएगा कितना चलेगा 11x, 14 में से 15 जाएगा माइनस 3y बचेगा, और 28 में से 5 माइनस होगा कितना बचेगा माइनस 23। दैट इज योर आंसर, यही तुम्हारा आंसर है। ओके, एनी प्रॉब्लम? यही हमारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन है, आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे बेटा, इसका फोर्थ का, एक्स प्लस वन एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन एक्स माइनस वन एक्स माइनस वन, अरे ये बहुत बड़ा है, एक्स स्क्वायर प्लस वन एक्स फोर प्लस वन। देखो बेटा इसको ध्यान से करने की जरूरत है, तो यहाँ पर भी आइडेंटिटी दिख रही है, आइडेंटिटी का यूज करके करोगे तो ठीक है, नहीं तो बहुत लंबा हो जाएगा, बहुत बड़ा दिखेगा ना, बहुत बड़ा सॉल्व हो पाएगा। आइडेंटिटी का यूज करेंगे, ए प्लस बी ए माइनस बी दिख रहा है, ए प्लस बी ए माइनस बी वाला फॉर्मूला देखो क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, बी लगा दो ए प्लस बी ए माइनस बी वाला फॉर्मूला लगा देंगे कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वन स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर देखो एक्स स्क्वायर प्लस वन एक्स की पावर फोर प्लस वन। ओके, वैसे तो बेटा बहुत लंबा हो जाएगा मल्टीप्लाई करेंगे तो, ये हमारी आइडेंटिटी का यूज कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, इस वाली आइडेंटिटी का यूज किया है हमने यहाँ। ओके, तो बेटा कितना होगा एक्स स्क्वायर माइनस वन एक्स स्क्वायर प्लस वन एक्स टू पावर फोर प्लस वन। अब देखो यहाँ पर भी होगा, इसको पूरे एक्स स्क्वायर मान लें, ए मान लेंगे, इसको पूरे को बी मान लेंगे, ठीक है, एक्स स्क्वायर को ए मान लेंगे, यहाँ पे भी आइडेंटिटी का यूज करेंगे, ए प्लस बी ए प्लस बी ए माइनस बी इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यस, हाँ, वन का स्क्वायर करेंगे तो वन ही तो आएगा ना, इस वाली आइडेंटिटी को फिर से यूज कर देंगे, इस वाली टर्म के लिए इस वाली टर्म के लिए कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर का स्क्वायर और माइनस वन का स्क्वायर एक्स टू पावर फोर प्लस वन। ओके, कितना आ जाएगा एक्स टू पावर टू की पावर टू कितना तो पावर का मल्टीप्लाई होगा एक्स की पावर कितना हो जाएगा फोर माइनस वन, वन का स्क्वायर करेंगे फिर भी वन आएगा, यहाँ कितना आ जाएगा एक्स की पावर फोर प्लस वन। अगर बेटा यहाँ पे यही वाली आइडेंटिटी का यूज करेंगे, एक्स प्लस ए ए प्लस बी ए माइनस बी, देखो एक्स पावर फोर पूरे को ए मान लेंगे इसको बी मान लेंगे, बल्कि एक्स की पावर फोर का स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर कितना आएगा एक्स की पावर एट माइनस वन, दैट इज योर आंसर, एक मान आंसर है। ठीक है,